हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग फंडामेंटल का एक प्रोसीजर, केयर ऑफ हेयर। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेली रूटीन लाइफ में, बिकॉज़ ये हमारे सर्कुलेशन को बनाए रखता है। और दूसरा, ये इन्फेक्शन से, डैंड्रफ से सबसे प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हेयर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे द क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग ऑफ हेयर इज़ फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू द वन सेंस ऑफ वेलबींग। मतलब हेयर की जो क्लीनिंग है और उसकी ग्रूमिंग है वो बार बार फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू वन सेंस, एक अच्छा सेंस होता है। फॉर अ वुमेन हेयर इज़ हर क्राउनिंग ग्लोरी। वुमेन के लिए जो हेयर होते हैं वो उनकी क्राउनिंग ग्लोरी, मतलब उनके सिर का ताज होते हैं। नीट हेयर इज़ अ फैक्टर इन मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन ऑन अनोदर पर्सन। जो साफ सुथरे हेयर्स होते हैं, क्लीन हेयर्स होते हैं, वो गुड इम्प्रेशन परफॉर्म करते हैं, गुड इम्प्रेशंस ऑन अनोदर पर्सन, लोगों के सामने अच्छा इम्प्रेशन देते हैं। नॉर्मल हेयर एंड स्कैल्प आर नाइदर ड्राई नॉर ऑयली एंड शो नो एविडेंस ऑफ फ्लैकिंग। नॉर्मल जो हेयर और स्कैल्प होती है वो ना तो ड्राई होती है ना ही ऑयली होती है, एंड शो नो एविडेंस ऑफ फ्लैकिंग, और कोई भी एविडेंस पैदा नहीं करती है, कोई भी दिक्कत नहीं देती है। हेल्दी हेयर और हेल्दी स्कैल्प इज़ कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग आउट बींग रिप्लेस बाई न्यू ग्रोथ। अगर बाल अच्छे होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, स्कैल्प अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो बाल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होते रहेंगे। पुराने बालों की तुलना में नए बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। द जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ हेयर। जो पर्सन की जो हेल्थ होती है, नॉर्मल हेल्थ होती है, वो हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर द हेयर हेल्थ ऑफ हेयर। एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हेयर की हेल्थ के लिए, मतलब अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए। केयर फॉर हेयर इन ऑर्डर टू कीप देम क्लीन एंड हेल्दी। हेयर नीड्स लाइट एंड फ्रेश एयर। हेयर को हमेशा क्लीन एंड हेल्दी रखना चाहिए, और हेयर को नीड होती है लाइट की और फ्रेश एयर की। स्टिमुलेशन ऑफ सर्कुलेशन बाय मसाज। अगर हम बालों में मसाज करते हैं, स्कैल्प में मसाज करते हैं, तो सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है। एंड ब्रशिंग इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द हेयर हेल्दी। और कॉम्ब करना बालों को, ये मेंटेन करता है हेयर को, हेल्दी बनाए रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा हम आते हैं लॉस ऑफ हेयर, उसको हम बोलते हैं एलोपेसिया। वेरियस एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ एंड इम्बैलेंसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी जो हेयर लॉस होते हैं वो किस कारण से होते हैं? इम्बैलेंसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हेयर लॉस होता है। और क्लीनलीनेस ऑफ हेयर इज़ एसेंशियल फॉर गुड हाइजीन। गुड हाइजीन के लिए हेयर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनक्लीन स्कैल्प कंटेनिंग डर्ट, डैंड्रफ, एक्सेसिव सेबम एंड स्वेट विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट ऑन द स्कैल्प। अगर हम स्कैल्प को क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें डर्ट, डैंड्रफ और एक्सेसिव सिबम इकट्ठा होता रहेगा, स्वेटिंग होती रहेगी, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ होगी, जिससे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऑयली हेयर एक्यूमुलेट डर्ट मोर क्विकली देन द ड्राई हेयर। ड्राई हेयर, सूखे बालों की तुलना में जो ऑयली हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी डर्ट को, मिट्टी, धूल मिट्टी को एक्यूमुलेट कर देते हैं जल्दी से। कीपिंग द स्कैल्प क्लीन बाय ब्रशिंग एंड शैम्पूइंग विल हेल्प टू रिलीव डैंड्रफ। स्कैल्प को क्लीन रखना और ब्रशिंग करना, मतलब कॉम्ब करना, वो क्या करता है? डैंड्रफ को रिलीव करता है स्कैल्प से। क्लीनलीनेस ऑफ हेयर एंड स्कैल्प विल कीप द पेडिकुलाई अवे फ्रॉम द स्कैल्प। स्कैबिज, रिंगवर्म्स, डैंड्रफ एंड पेडिकुलाई आर सीन इन अ नेग्लेक्टेड स्कैल्प।
हेयर को क्लीन रखने से, स्कैल्प को क्लीन रखने से जो स्कैल्प में स्कैबीज यानी कि खुजली या फिर रिंग वर्म्स या फिर डैंड्रफ या फिर कोई भी पेडिक्यूलाई जो सीन होते हैं वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। मतलब अगर हेयर को क्लीन रखेंगे तो इन सब की ग्रोथ नहीं होगी। डेली केयर बाय ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग, शैम्पूइंग द हेयर इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ हेयर फॉर इन्फेस्टेशन सच एज लाइस। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो है इसके पर्पज। पर्पज क्या है हेयर केयर के? हेयर केयर हमें क्यों करनी चाहिए? उसका कारण है टू कीप द हेयर क्लीन एंड हेल्दी, बालों को हेल्दी और क्लीन रखने के लिए। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लॉस ऑफ हेयर को कम करने के लिए। प्रिवेंट इचिंग एंड इन्फेक्शन, इचिंग एंड इन्फेक्शन को कम करने के लिए। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अपियर नीट, साफ सुथरा दिखने के लिए। ऑब्जर्व स्कैल्प, स्कैल्प भी साफ सुथरी रहती है तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं करेंगे, तो ये इसका सबसे बड़े पर्पज हो गए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द डेली केयर ऑफ हेयर, हेयर नीड्स टू बी ब्रश डेली इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। हेयर्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए उसको डेली ब्रश करना चाहिए। लॉन्ग हेयर शुड बी कॉम्ब्ड एटलीस्ट वंस अ डे, अगर बाल ज़्यादा लंबे हैं तो उनको कम से कम दिन में एक बार कॉम्ब करें टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मैटिंग, धूल मिट्टी से बचाने के लिए। प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या होगा इसके अंदर? चेक द फिजिशियंस ऑर्डर टू सी द स्पेसिफिक प्रिक्वेशन फॉर द क्लाइंट मूवमेंट एंड पोजिशनिंग, क्लाइंट की मूवमेंट और पोजिशनिंग को चेक करेंगे। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ क्लाइंट एंड एबिलिटी टू सेल्फ केयर, क्लाइंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे कि वो खुद की केयर कर पाने में एबल है या नहीं। असेस द कंडीशन ऑफ स्कैल्प एंड हेयर, क्लाइंट की स्कैल्प और हेयर की कंडीशन को असेस करेंगे। असेस क्लाइंट मेंटल स्टेट टू फॉलो डायरेक्शन, क्लाइंट की मेंटल स्टेट को भी असेस करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट, क्लाइंट की यूनिट के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको भी चेक करेंगे। अब हेयर क्लीनिंग के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट कैसे होगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद मेक द क्लाइंट टू सिट ऑन द बेड साइड चेयर और स्टूल, अगर बेड के साइड में कोई चेयर या स्टूल है तो उस पर क्लाइंट को बिठाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द क्लोथिंग फ्रॉम बिकमिंग सॉइल्ड, और उसके कपड़े धूल मिट्टी से ख़राब ना हो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करेंगे। प्लेस अ टॉवल ओवर द क्लाइंट शोल्डर टू कैच और लूज हेयर एंड द पेडिक्यूलाई, एक टॉवल है उसको क्लाइंट के शोल्डर पर रखेंगे और उसके ऊपर हेयर्स रखेंगे जिससे कि धूल मिट्टी से या पेडिक्यूलाई से प्रिवेंट किया जा सके क्लाइंट को। व्हेन द मोमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड, मेक द क्लाइंट टू सिट ऑन द बेड और मेंटेन द फाउलर्स पोजीशन, और क्लाइंट को एक फाउलर पोजीशन मेंटेन करवाते हैं। प्रोटेक्ट द बॉटम शीट एंड पिल्लो केस विद द टॉवल, बॉटम शीट और पिल्लो विद द टॉवल के साथ उसको प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट को। ईच हाफ ऑफ द हेयर इज ट्रीटेड सेपरेटली, आधे आधे बालों को सेपरेटली ट्रीट करेंगे विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन, बिना खिंचाव के ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट को पेन नहीं होना चाहिए। द नर्स यूनिफॉर्म इज प्रोटेक्टेड विद एप्रन्स टू प्रिवेंट द पेडिक्यूलाई स्टिकिंग टू हर ओवन ड्रेस, नर्स है वो क्या करती है वाइट एप्रन पहनती है तो वो उसको पेडिक्यूलाई से प्रिवेंट करती है ऑटोमेटिक। उसके बाद इसके लिए आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होंगे, क्लीन टॉवल्स चाहिए होंगे दो, वन टू प्रोटेक्ट द शोल्डर एंड जनरल्स एंड द अदर टू प्रोटेक्ट द बेड क्लोथ्स, एक है जो प्रोटेक्ट करेगा शोल्डर्स को और दूसरा है वो बेड क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्लीन कॉम्ब विद कॉज एंड फाइन टीथ, कोर्स टीथ इज यूज फॉर रिमूविंग टेंगल्स एंड फाइन टीथ फॉर रिमूविंग
नीड्स एंड फॉर्म मेकिंग हेयर ग्लॉसी। किडनी ट्रे तीसरा जो आर्टिकल है वो है किडनी ट्रे विद कार्बोलिक लोशन 1:20 एंड डिटॉल 1:40 टू डिस्ट्रॉय। किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिस्ट्रॉय द लाइस एंड टू डिसइनफेक्ट द कॉम्ब। कॉम्ब को डिसइनफेक्ट करने के लिए और लाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चौथा जो आर्टिकल है वो ऑयल इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर अपन ऑयल लेंगे, वो किस लिए लेंगे? टू रिमूव द टैंगल्स एंड टू मेक द हेयर ग्लॉसी। हेयर को ग्लॉसी बनाने के लिए और टैंगल्स को रिमूव करने के लिए। पांचवा जो आर्टिकल है वो है पेपर बैग टू कलेक्ट द लॉस हेयर। हेयर लॉस जो हुए हैं उनको उस पेपर बैग में कलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर क्या है? सेपरेट द हेयर इन स्मॉल स्ट्रैंड। छोटे छोटे पार्ट्स में हेयर को सेपरेट करेंगे। होल्ड द स्ट्रैंड अबव द पार्ट बीइंग कॉम्ब्ड सो दैट पुल कम्स ऑन योर हैंड एंड नॉट ऑन हेयर्स रूट। अपने हाथों को बालों पर रखें ना कि हेयर्स रूट पर। और होल्ड द स्ट्रैंड। उसके बाद आता है कॉम्ब द टैंगल्स आउट फ्रॉम द एंड फर्स्ट एंड देन गो अप ग्रेजुअली। और उसको बार बार कॉम्बिंग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल में हेल्प टू रिमूव द टैंगल्स। ऑयल को अप्लाई करने से टैंगल्स रिमूव कर सकते हैं या टैंगल्स को रिमूव किया जाता है ऑयल अप्लाई करके। टू रिमूव इट डिफिकल्ट टैंगल्स में कट ऑफ। डिस्कार्ड द लॉस हेयर इन टू द पेपर बैग एंड लाइस इफ एनी इन टू द लोशन। After combing the hair thoroughly, braid the hair into two, one on each side of the head behind the ears to make the client more comfortable when laying on her back. Braid should not be too tight. Secure the end with the ribbon or a tape. After care the client and articles, remove the towel and kidney tray. Clean the tiddy up the bed, adjust the position of the client in bed and make the client comfortable. Take all article in the utility room, disinfected the comb, clean all the articles and place them in their proper places. उसके बाद हम wash hand करेंगे। फिर अगला जो है वो है record करेंगे। Record the observation made if any and the condition of the scalp and hair on nurse record with time and date. Scalp की condition को record करेंगे और उसे time and date को record करेंगे। Nurse responsibility in the washing of hair on bed. Bed के ऊपर अगर patient है वो उठ नहीं पा रहा है या कोई भी कारण की वजह से अगर physical abnormality है तो उस समय पेशेंट की बेड पर हेयर केयर कैसे की जाती है उसके बारे में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या होगा? चेकिंग फिजिशियन ऑर्डर्स टू सी द स्पेसिफिक प्रिक्वेशंस इफ एनी फॉर द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द क्लाइंट। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, द कंडीशन ऑफ द स्कैल्प एंड हेयर एंड द नीड फॉर शैम्पू। चेक द क्लाइंट प्रेफरेंसेस फॉर soap, shampoo and oil etc. Assess the client mental state to follow direction. Check the articles available in the unit. Preparation of the client and unit. उसके अंदर हम आएंगे कि सबसे पहले explain the procedure to the client, explain the sequence of the procedure and the way can assist. Remove the unnecessary item for the work area. Place the article needed conventionally on the bedside table. Adjust the bed to the comfortable working of the nurse, closing the window and put off the fan to prevent drafts. Provide privacy. Remove the top linen and fold them to the fold. End of the bed leaving a sheet or bath blanket over the client. Keep the client flat. If the conditions permit, remove the extra pillow and backrest. उसके बाद articles क्या क्या चाहिए bed वाले patient की hair care करने के लिए। A tray containing bath towels,
दो चाहिए, जिसके अंदर वंस टू प्रोटेक्ट द पिल्लो एंड अदर वन टू ड्राई द हेयर। एक पिल्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक हेयर को ड्राई करने के लिए। दूसरा चाहिए मैकिंटॉश, दो मैकिंटॉश चाहिए, वन टू मेक अ ड्राफ एंड द अदर वन टू प्रोटेक्ट द पिल्लो ऑन बेड क्लोथ्स। तीसरा चाहिए कॉटन बॉल्स इन द कंटेनर में टू प्लग द ईयर, ईयर को कवर करने के लिए या प्लग करने के लिए। शैम्पू एंड लिक्विड सोप हेयर कॉम्ब। उसके बाद हमें चाहिए किडनी ट्रे एंड पेपर बैग, बेसिन बकेट, मग, जग, लो स्टूल, क्लीन लिनन, न्यूज़पेपर। स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर में क्या होगा, वॉश हैंड, लूजन एंड कॉम्ब द हेयर, मिक्स हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बैक ऑफ द हैंड। वेट द हेयर, अप्लाई सोप शैम्पू एंड वर्क अप अ लेथर। स्टार्ट क्लीनिंग एट द हेयर लाइन एंड वर्किंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ द हेड सिमेट्रिकली। रिंस थ्रोली विद वाटर टू रिमूव द सोप, रिपीट वॉशिंग एंड रिंसिंग अंटिल द हेयर क्लीन। स्क्वीज ऑफ वाटर फ्रॉम द हेयर, ड्राई द हेयर वॉशिंग टॉवल, ड्राई द फेस विद द वॉश क्लोथ, फेस ओवर द आईज, डिस्कार्ड इट इनटू द बेसिन।